हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, महिला शिक्षकों की संख्या परसेंट में 10 से 25 दिया है, 25 से 35 दिया है, 35 से 45 दिया है, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75 और 75 से 85 दिया है, ये परसेंट में दिया है। यहाँ पर राज्यों की संख्या भी दिया गया है, 1, 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1 दिया है। इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मध्य बिंदु निकालना होता है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 15 से 25 इसको बोला जाता है, 15 ये इन सब को निम्न सीमा बोला जाता है और इसको उच्च सीमा बोला जाता है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तब मध्य बिंदु निकलता है। जैसे कि देखते हैं, एक जैसे कि 15 और 25 का मध्य बिंदु निकालना है, तो 15 और 25 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो 15 में 25 को जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 40, 40 में 2 का भाग दे दो तो आ जाएगा 20, अर्थात 15 और 25 का मध्य बिंदु कितना आ गया, 20 आ गया, यहाँ पर लिख दिए। ठीक इसी तरीका से सभी को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। देखिए 25 और 35 का मध्य बिंदु आ जाता है 30, वैसे 35 और 45 का मध्य बिंदु आ जाएगा 40, है ना, और 45 और 55 का मध्य बिंदु आ जाएगा 50। इसी तरीक़े से 55 और 65 का मध्य बिंदु आ जाएगा 60, 65 और 70 का मध्य बिंदु, 65 और 75 का मध्य बिंदु आ जाएगा 70, और 75 और 85 का मध्य बिंदु आ जाएगा 80। ठीक है, यहाँ तक मध्य बिंदु सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद निकालेंगे एफ हेक्सा। तो एफ हेक्सा कैसे निकालेंगे, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तब एफ एक्स मिल जाएगा, एफ इंटू एक्स। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 × 12 मतलब ये आ जाएगा 120, 10 बढ़ा देंगे। इसी तरीके से 11 × 3 = 33, 10 बढ़ा दो, 7 × 28 ये आ जाएगा 280, वैसे इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 5 × 20 ये आ जाएगा 200, और इसका भी मल्टीप्लाई करो, 6 × 24 ठीक है ये 240 आ गया, इसका भी मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 = 14 ये 140 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। अब इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए इसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, समेशन एफ एक्स, समेशन मतलब सिग्मा होता है, जोड़ना होता है, सभी का योग निकालेंगे और सिग्मा एफ, ठीक है, एफ का भी क्या निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे। तो इसको जोड़ने पर ये आ जाता है आप लोगों का 35, इसको आप लोग जोड़ कर देख लेना दोस्तों, इसका आएगा 35, सभी अंकों को जोड़ देना 35 आएगा। इसी तरीका से सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो इन सभी आंकड़ों को जोड़ देना तो ये आ जाता है 1390, ठीक है 1390 आएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो, यदि मैं जोड़कर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग जोड़कर देखना। अब उसके बाद समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाला, 1390, और सिग्मा एफ का मान निकाला 35। तो इसमें मान को रख कर समांतर माध्य को निकालेंगे, तो चलिए रख कर मान को निकालते हैं, 1390 ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 35 है। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 39.71%। आप लोग डिवाइड करके देखना दोस्तों, इसका आंसर 39.71% आएगा, और यही इस प्रश्न का समांतर माध्य होगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।